बॉटम टू में पवनदीप राजन के आने पर इतनी डरी हुई थी अरुणिता। जी हाँ दोस्तों, इस बार आइडल के मंच पर जो हुआ वो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ ऐसा कि इस बार हुआ एविक्शन और बॉटम टू में आए थे पवनदीप राजन और सवाई भट्ट। जी हाँ, आपके लिए ये दोनों ही नाम बड़े शॉकिंग हैं, क्योंकि पिछले कई सप्ताह से ये दोनों टॉप थ्री में थे और इस बार की एविक्शन वोटिंग के आधारित नहीं थी। और जब ये नाम लिए गए तो सभी शॉक्ड हुए। पवनदीप राजन का नाम तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जो कंटेस्टेंट हर बार टॉप टू में आता है वो बॉटम टू में कैसे आ सकता है। और जैसे ही ये नाम लिया गया तो सबसे ज़्यादा जो देखने वाले रिएक्शन थे वो थे कंटेस्टेंट के। आप देख सकते हैं कि षणमुखा प्रिया ने अपना सर पकड़ लिया, सभी जजेस आश्चर्य से देखने लगे और अरुणिता कांजीलाल का तो बुरा हाल हो गया। उनके एक्सप्रेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो पवनदीप राजन का नाम सुनते ही इस नाम को पचा नहीं पाई और इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी। कुछ देर के लिए उन्हें ये विश्वास नहीं हो पाया कि बॉटम टू में स्टेज पर पवनदीप राजन खड़े हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आइडल का ये डिसीजन सही था? आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।